Hello friends, welcome to my YouTube channel GST Free Class. Today we will discuss a very important topic, that is input tax credit. This topic is very important for our exam purpose. Let us start. GST law में input tax credit को freely available कराया गया है, right from manufacturer to consumer. पुराने law में, VAT law में, या excise law में, या service tax law में input tax credit freely available नहीं था. We were facing several hurdles regarding input tax credit. Input tax credit was not available freely. But under GST law, it is freely available. Let us first understand what is the meaning of input tax credit. Input tax credit means at the time of paying tax on output, you can reduce the tax you have already paid on inputs. जब आप कोई सेल करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का सेल करते हैं, उस पे 10 रुपए आपने जीएसटी लगाया है, टोटल 110 बना है. इस सेल को करने के लिए आपने इनपुट भी लाया होगा, दैट इज आपने परचेज भी किया होगा. इस परचेज पे मान लीजिए आपने 5 रुपए का टैक्स पे करके लाए हो, देन यू कैन एडजस्ट दिस 5 रुपए फ्रॉम दिस 10 रुपए. योर फाइनल लायबिलिटी वुड बी 10 - 5, दैट इज रुपीज 5 ओनली. आपको इस 5 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ पेइंग रुपीज 10. दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. मान लीजिए कोई आपका आउटपुट है, कोई सेल करते हैं. इस सेल को करने के लिए, इस आउटपुट को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, ए बी एंड सी. On component A, you pay the tax rupees 100. आप कोई माल खरीद के लाए A component, उस पर आपने 100 रुपी पे किया. B component खरीद के लाए, उस पर आपने 120 पे किया. Component C लाए, उस पर आपने 80 पे किया. इस तरह से आपने टोटल 300 पे किया. This is called input. Output बनाने के लिए आपने ये 3 input यूज किया और इस 3 इनपुट पे आपने 300 रुपए पे किया है और फाइनल आउटपुट पे यू हैव चार्ज 450. बिकॉज एज ए सेलर यू हैव टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर, यू हैव टू चार्ज 450. आपने 450 चार्ज किया, देन एट द टाइम ऑफ पेइंग 450 टू गवर्नमेंट, यू नीड नॉट टू पे टोटल 450. You can take credit which you have already paid for input, that is 100 + 120 + 80, total 300 - 450, only 150 you have to pay. This is called input tax credit. Input pe jo aapne credit pay kiya hai, that is 300, you will get credit, you will reduce the amount at the time of paying final output tax. Final output tax liability जब आप pay करेंगे तो उससे आप ये 300 input tax credit reduce कर सकते हैं. In this topic, we will discuss what is the meaning of input, input services and capital goods. माल को बनाने के लिए आप जो इनपुट लाते हो, इनपुट सर्विसेज लाते हो या कैपिटल गुड्स लाते हो, उसका क्या मीनिंग है जीएसटी लॉ में, वी विल डिस्कस. व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. देर आर सम प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड, लाइक मोटर कार. This is called negative list. On this item, input tax credit would not be available.
Thereafter, we will discuss apportionment of credit and block credit, availability of credit in a special circumstances, recovery of ITC and interest thereon, कब हम ITC को recover करेंगे, जब आप गलत तरीके से ITC avail कर लेते हैं, then you have to pay ITC along with interest. Input service distributor के concept को समझेंगे, what is the meaning of input service distributor, किस तरीके से इनपुट सर्विस का हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या रूल है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए. एंड लास्टली वी विल डिस्कस मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस. जब आप एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो उसे रिकवर किस प्रकार करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. What is the meaning of input tax credit? जैसा कि अभी हमने layman की भाषा में समझा था input tax credit को, but now we will discuss as per GST law. GST law में input tax से related कुछ definition दिए गए हैं, जैसे capital goods को section 2 clause 19 of CGST act में define किया गया है, इनपुट को क्लाउज 2 क्लाउज 59 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, इनपुट सर्विसेज 260 में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को 261 में, इनपुट टैक्स को 262 में, इनपुट टैक्स क्रेडिट को 263 में डिफाइन किया गया है. बट अंडर आईजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, no such definition has been provided, but it has been borrowed by section 2 clause 24. 224 is the borrowed provision which borrowed the meaning of capital goods, input, input service distributor, input tax credit from CGST Act. Words and expression not defined under IGST Act but defined under CGST Act will have the same meaning as under those Act, that is CGST Act, Central Goods and Service Tax Act. Input tax credit ka kya matlab hai? What is the meaning of input tax credit? Input tax credit means credit of input tax. Input tax credit means credit of input tax. तो input tax का क्या मतलब है? Input tax का मतलब simply वही है जो कि when you pay at the time of purchasing something in terms of CGST Act, SGST Act, UTGST Act, or in case of interstate transaction you have to pay IGST Act. Input tax credit का मतलब है credit of input tax, and input tax का मतलब है जो आप purchase के समय जो tax pay करते हो. In case of intrastate transaction you have to pay CGST Act, apart from CGST you have to pay SGST or UTGST as the case may be. But in case of interstate transaction, movement from goods from one state to other state, then you need to pay IGST. Input tax includes IGST paid on import of goods. जब आप import करते हैं, then you have to pay IGST. This transaction is covered under interstate transaction and you have to pay IGST. इनपुट टैक्स में जब आप RCM के थ्रू कोई टैक्स पे करते हो देन इट इज आल्सो कवर्ड अंडर इनपुट टैक्स. बट एज ए कंपोजिशन डीलर जब आप कोई टैक्स पे करते हो,
कंपोजिशन डीलर को 1% के रेट से टैक्स पे करना होता है, देन इट इज नॉट कवर अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज इसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट का मतलब परचेज, जो भी आप आउटपुट देने के लिए जो परचेज करते हो, दिस इज कॉल्ड इनपुट सिंपल टर्म में. बट इन टर्म्स ऑफ सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 59, इनपुट मीन्स गुड्स दैट इज परचेज अदर देन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. कैपिटल गुड्स को इनपुट में शामिल नहीं करेंगे. कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स द बेनिफिट ऑफ विच इज अराइजिंग ऑन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, इनका लाभ कई सालों तक मिलता रहता है. इनपुट मीन्स गुड्स अदर देन कैपिटल गुड यूज, जिसे कि आपने यूज कर लिया है या यूज करेंगे फ्यूचर में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इनपुट मीन्स ऐसा गुड्स जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है, विच विल बी यूज और विल बी यूज इन फ्यूचर बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट इट इज सब्जेक्ट टू नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट जो सेक्शन 17 में डिफाइन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट सर्विस? सिमिलर वे, एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू नेगेटिव लिस्ट. प्री जीएसटी रिजीम और जीएसटी रिजीम में क्या अंतर है? प्री जीएसटी रिजीम में जो बिजनेस का कंसेप्ट है उसे जीएसटी रिजीम में कंटिन्यू किया गया है बिजनेस पर्पस के लिए. इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये पहले भी था और अभी भी है. कैपिटल गुड्स, व्हाट इज कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सीजीएसटी एक्ट? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 19. कैपिटल गुड्स मीन्स वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसका कि कैपिटलाइज कर लिया, रेवेन्यू की तरह करके बुक नहीं किया, हमने कैपिटलाइज किया है जिसपे कि हम डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे. कैपिटल गुड्स मीन्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. कैपिटल गुड्स का क्या मतलब है? गुड्स होगा, कैपिटल गुड्स तो पहले क्या होगा? गुड्स होगा, सर्विस नहीं होगा, गुड्स होगा, ओनली गुड्स, जो कि बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया गया है, जिसे कि बिजनेस में यूज किया जाएगा, ये तो अभी यूज कर लिया या फ्यूचर में यूज करेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. जीएसटी लॉ में और प्री जीएसटी लॉ में क्या डिफरेंस है? पहले कुछ गुड्स एचएसएन वाइज गुड्स दिए गए थे, प्रीवियस एक्साइज लॉ में कुछ एचएसएन वाइज गुड्स कैपिटल गुड्स का नाम दिया गया था, बट अंडर जीएसटी लॉ एचएसएन वाइज कोई गुड्स नहीं दिया गया. एवरी कैपिटल गुड्स वुड बी कवर्ड एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट. ऐसा कोई गुड्स एचएसएन कोड वाइज नहीं दिया गया. मैनर ऑफ अवेलिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, किस प्रकार आप जीएसटी को यूटिलाइज करेंगे, क्या कंडीशन है, नाउ वी विल डिस्कस. प्री जीएसटी लॉ में और जीएसटी लॉ में क्या डिफरेंस है? प्री जीएसटी लॉ में एक्साइज का क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को मिल जाता था, मैन्युफैक्चरर को सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिल जाता था, वैट का क्रेडिट भी मैन्युफैक्चरर को मिल जाता था. CVD 31 इक्वल टू एक्साइज, SAD 35 इक्वल टू सेल टैक्स और वैट, उसका भी क्रेडिट मिल जाता था. इन केस ऑफ इंपोर्ट CVD 31 एंड
35 SAD is chargeable, उसका भी मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट मिल जाता था, बट सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। ट्रेडर को न तो एक्साइज का मिल पाता था, न तो सर्विस टैक्स का मिलता था, केवल उसे वैट का क्रेडिट मिलता था। नेचुरल बात है, उसने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है, उसने कोई सर्विस नहीं दिया है, सो इज नॉट एलिजिबल। वो केवल ट्रेड करके लाया है, सो ई वुड गेट क्रेडिट ऑफ ओनली वैट। उसे सीवीडी का भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, एसएडी का रिफंड ले सकता था वो, सीएसटी का क्रेडिट उसे नहीं मिलता था। सर्विस प्रोवाइडर को एक्साइज का क्रेडिट मिल जाता था, सर्विस टैक्स का भी मिल जाता था, वैट का नहीं मिल पाता था। सीवीडी 31 इक्वल टू एक्साइज है इसलिए मिल जाता था, एसएडी 35 इक्वल टू सेल टैक्स इसका क्रेडिट नहीं मिल पाता था, और सीएसटी का भी क्रेडिट नहीं मिल पाता था। आप देख रहे होंगे प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में देयर वाज सेवरल रिस्ट्रिक्शन, कुछ का क्रेडिट मिल रहा है, कुछ का क्रेडिट नहीं मिला, कभी मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है, कभी ट्रेडर को नहीं मिल रहा, कभी सर्विस प्रोवाइडर को मिल रहा, कभी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिल रहा। देयर वाज सेवरल रिस्ट्रिक्शन अंडर प्री इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, बट इन जीएसटी रिजीम क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन फ्रीली अवेलेबल राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ जीएसटी। प्री जीएसटी लॉज में टैक्स क्रेडिट किस प्रकार एडजस्ट कर पाते थे, लेट अस डिस्कस। एक्साइज पे जो क्रेडिट हमारा होता था, एक्साइज ड्यूटी पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था, उसे हम एक्साइज ड्यूटी के आउटपुट से या फिर सर्विस टैक्स के आउटपुट, इन दोनों में से किसी से भी एडजस्ट कर सकते थे। सर्विस टैक्स के इनपुट को हम एक्साइज ड्यूटी के आउटपुट के लिए यूज कर सकते थे या सर्विस टैक्स के आउटपुट के लिए यूज कर सकते थे। सीवीडी को एक्साइज ड्यूटी से या सर्विस टैक्स से, एसएडी को एक्साइज ड्यूटी से, वैट के इनपुट को वैट के आउटपुट से एडजस्ट कर सकते थे या फिर सीएसटी से, बट सीएसटी के इनपुट को किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते थे। नाउ वी विल डिस्कस रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को चैप्टर 5 में डिफाइन किया गया है। चैप्टर 5 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बतलाता है। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग ITC। क्या कंडीशन होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होगी, इट डील अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 17 कवर अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। जब आप किसी गुड्स को पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, देन यू हैव टू अपोर्शन द क्रेडिट। सेक्शन 18 डील विद अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 19 टेकिंग ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क। जॉब वर्क के लिए आप जब गुड्स इनपुट या कैपिटल गुड को भेजते हैं, देन उसके यूटिलाइजेशन के बारे में, क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में सेक्शन 19 कवर करता है। सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो HO कैसे अपना सर्विस इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने ब्रांच ऑफिस को। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ क्रेडिट। अगर कोई ज्यादा क्रेडिट ले लिया है ISD ने, तो उसका रिकवरी होगा। दिस इज डील अंडर सेक्शन 21। सिमिलरली प्रोविजन इज कवर्ड अंडर ISD वाइड सेक्शन 20। सेक्शन 20 इज बोरोड प्रोविजन विच इज बोरोड द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट वाई सेक्शन 20। सिमिलर प्रोविजन इज अंडर 21 अंडर UTGST एक्ट विच इज ऑल्सो बोरोड प्रोविजन। इट हैज बोरोड द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम CGST एक्ट।
सीजीएसटी एक्ट के सिमिलर ही सारे स्टेट जीएसटी एक्ट है. यू आर अवेयर दैट स्टेट जीएसटी इज रिप्लिका ऑफ सीजीएसटी एक्ट. स्टेट वालों ने सेंट्रल वालों को कॉपी कर लिया है, केवल वर्ड सेंटर को हटा कर स्टेट रिप्लेस कर दिया, पार्लियामेंट को हटा के उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर को रिप्लेस कर दिया. इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार अवेल करेंगे, किस प्रकार यूटिलाइज करेंगे, इट इज डिस्कस अंडर रूल्स. सीजीएसटी रूल्स टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट. रूल 33 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. रूल 37 टॉक्स अबाउट रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. अगर आप 180 दिन से ज्यादा के बाद पेमेंट करते हैं, 180 दिन के बाद पेमेंट करते हैं, देन यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट. रूल 38 टॉक्स अबाउट ITC इन केस ऑफ कंपनी, फिनांस बैंकिंग कंपनी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दिस कंपनी हैव ऑप्शन आइदर टू क्लेम 50% ऑफ क्रेडिट और दे कैन ऑल्सो क्लेम अंडर नॉर्मल प्रोविजन. दिस कंपनी हैव ऑप्शन, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं. रूल 39 टॉक्स अबाउट ISD किस प्रकार अपना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी. रूल 40 टॉक्स अबाउट स्पेशल केसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट. रूल 41 टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सेल, मर्जर, एमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर एटसेट्रा. रूल 42 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयर ऑफ. रूल 43 टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ ITC इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. रूल 44 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन अ स्पेशल केस. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ITC. हु आर एलिजिबल पर्सन फॉर ITC? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर ITC. सब्जेक्ट टू कंडीशन जो कि रूल्स में प्रोवाइड कराए गए, किस कौन से कंडीशन होंगे और कितना मिलेगा, दीज आर कवर्ड अंडर रूल्स विद इन द टाइम एंड मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49. एवरी रजिस्टर्ड डीलर इज एलिजिबल फॉर ITC. सेड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन. ITC का क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा. सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर ITC एंड इट वुड बी क्रेडिटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा. दिस इज ए ई लेजर, क्रेडिट लेजर, उसमें क्रेडिट कर देंगे ITC को. यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का यूटिलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा. इफ यू हैव क्रेडिट ऑफ ISD देन यू कैन यूटिलाइज इट फ्रॉम ISD और फॉर CGST और फॉर HST या UTGST. ISD के क्रेडिट को ISD के पेमेंट के लिए या CGST के पेमेंट के लिए या HGST या UTGST के पेमेंट, सभी के लिए यू कैन यूटिलाइज इट. बट इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड फीज. CGST के क्रेडिट को CGST के पेमेंट के लिए या ISD के पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है. बट CGST कांट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ HGST या UTGST. सिमिलरली इट कैन नॉट ऑल्सो यूटिलाइज फॉर इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड फीज. HGST कैन यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ HGST. सबसे पहले HGST से यूटिलाइज करेंगे,
then for payment of IGST, but it cannot be utilized for others, CGST and UTGST. Similarly, UTGST utilized for UTGST, IGST, but not utilized for CGST. Also, it cannot be utilized for interest, penalty and fee. We can summarize it under CIS. CIS, CGST, IGST or state GST. CGST can utilize for CGST or it can utilize for IGST. IGST can utilize for CGST or for IGST or for IGST. That is, IGST credit can be utilized for payment of all, that is CGST, IGST and state GST. State GST can utilize for only state GST, first state GST, then IGST. First preference would be given for CGST to CGST, IGST to IGST and state GST to state GST. What are the conditions to avail GST? There are certain restrictions and conditions for availment of credit. First condition is you should have tax invoice or debit note issued by supplier, and you should have received the goods or services. If you want to take the credit, then you should have invoice or debit note, and you should have received the goods or services. Subject to provision 41, provision 41 deal with claim of ITC on provisional basis. Tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government. Government ko apne tax pay kar diya ho, then only you can utilize the ITC, and you have furnished the return. मुख्यतः चार कंडीशन है. फर्स्ट वन इज यू शुड हैव इनवाइस एंड डेबिट नोट, एट द केस में भी यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, यू शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड फाइल द रिटर्न. जीएसटी वाज पेबल ऑन एडवांस आल्सो, बट दिस प्रोविजन हैव बीन विथड्रॉन, दिस हैज बीन डिलीटेड. नाउ GST is not payable on advance payment. ITC depend upon payment of tax by supplier. जब तक supplier ITC pay नहीं कर देता, तब तक you can't claim ITC. Let us understand the concept of ITC with some example. पहला example लेते हैं, bill to ship to model. Bill to ship to model में जैसा कि आपको पता होगा, तीन पार्टी होती है. पार्टी वन कस्टमर ए है, मान लीजिए इसने ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरर को फॉर सम गुड्स. बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर, ही हैज ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट और टाइटल टू कस्टमर बी एंड ऑर्डर द मैन्युफैक्चरर टू सप्लाई द गुड्स टू कस्टमर बी. दिस इज कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल. बिल तो ये मैन्युफैक्चरर इसको करेगा, पर शिपिंग बी को करना है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल. इट शैल बी डीम्ड दैट कस्टमर ए हैज रिसीव्ड द गुड्स व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट. इस केस में ये मान लिया जाएगा कि कस्टमर ए को डिलीवरी हो गई है, अगर मैन्युफैक्चरर ने बी को डिलीवरी दे दी तो. अगर बी को डिलीवरी हो गई है, देन इस केस में रिसिपिएंट ए माना जाएगा. दिस इज कॉल्ड बिल टू शिप टू मॉडल. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब व्हेन यू आर ऑर्डरिंग द गुड्स इन बल्क एंड यू आर रिसीविंग द गुड्स इन लॉट्स. इस केस में जब तक आप लास्ट लॉट
या लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स रिसीव ना कर लेते तब तक आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिल सकता, यू कांट क्लेम। इस एग्जांपल में कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कस्टमर को कांटेक्ट करता है 500 यूनिट सप्लाई करने का ऑन 28 जून 2018 को कांटेक्ट करता है, 300 यूनिट वो 29 तारीख को सप्लाई करता है और रिमेनिंग 200 यूनिट्स वह 2 जुलाई को सप्लाई कर देता है। इस केस में मंथ फॉर अवेलिंग आईटीसी ऑन 500 यूनिट्स इज जुलाई, जुलाई के महीने में वो पूरे 500 यूनिट्स पे क्लेम करेगा, बिफोर जुलाई ही कैन क्लेम आईटीसी। अपॉन रिसीप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट ओनली ही कैन क्लेम, कस्टमर कैन क्लेम द आईटीसी। इनवॉइस गुड्स प्लस सर्विस टू बी पेड विद इन 180 डेज। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए तीसरी कंडीशन है, यू शुड बी पेड, यू हैव टू पे गुड्स प्लस सर्विस विद इन 180 डेज। आपको इनवॉइस का पेमेंट 180 दिन के अंदर करना होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू पे विद इन 180 डेज देन यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। पेमेंट वैल्यू प्लस टैक्स दोनों को इज नॉट मेड टू वेंडर विद इन 180 डेज, अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी अवेल जितना आपने अवेल कर लिया होगा विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विथ इंटरेस्ट। पहले आपने क्लेम कर लिया था, आप 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते, देन यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट, योर आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वुड बी इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट with interest। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए गुड्स की वैल्यू 100 है, जीएसटी की वैल्यू 18 है। पहले केस में आपने गुड्स का पेमेंट कर दिया, जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, आईटीसी नॉट एडमिसेबल। दूसरे केस में गुड्स का पेमेंट कर दिया, जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, ITC नॉट अवेलेबल। तीसरा केस है, ना तो गुड्स का पेमेंट हुआ ना तो GST का, इस केस में भी आपको GST पे ITC नहीं मिलेगा। तीसरा केस है गुड्स प्लस GST, गुड्स प्लस GST दोनों को आपने पे किया, इस केस में आपको ITC अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है ये है कि गुड्स प्लस GST दोनों के वैल्यू को आपको 180 दिनों के अंदर पे करना है, देन ओनली यू कैन क्लेम ITC। अगर पार्टली पे किया है तो आपको पार्टली मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। मान लीजिए 50 रुपीज किया, 9 रुपीज GST पे किया, देन यू कैन क्लेम अप टू रुपीज 9 ओनली। क्रेडिट ऑफ ITC विदाउट इंटरेस्ट कैन बी रिक्लेम ऑन पेमेंट ऑफ वैल्यू प्लस टैक्स। अगर पहले 180 दिन के अंदर नहीं कर पाते, मान लीजिए 180 दिन के बाद आप पेमेंट करते हैं, तो आप पेमेंट करने के बाद दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं, नॉट ए इशू। बट इस 180 दिन के लिए आपका GST से वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, GST के अमाउंट से वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, यू कांट क्लेम। इफ यू पेड आफ्टर 180 डेज देन यू कैन क्लेम ITC ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट। रिवर्सल ऑफ ITC नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप बिना कंसिडरेशन के, मान लीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट को सप्लाई कर देते हैं, देन इस केस में कंसिडरेशन नहीं है, सो यू कैन क्लेम ITC इवन विदाउट रिवर्सल। अगर बिना कंसिडरेशन के ही है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल बात है। जब पेमेंट ही नहीं करना है तो रिवर्स भी नहीं करना, पेमेंट करना है तो रिवर्स करना है, पेमेंट 180 दिन के अंदर करना है तो रिवर्स करना है, पेमेंट नहीं करना है तो रिवर्स भी नहीं करना। टाइम लिमिट
of availing ITC not applicable in case of reclaim of ITC. अगर आप 180 दिन के बाद पेमेंट करते हैं तो 180 दिन के बाद आपको ITC अवेलेबल हो जाएगा. मान लीजिए एक साल के बाद पेमेंट कर देते हैं, then you can claim the credit after 1 year. जब आप डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, when you claim the depreciation on tax component, then you can claim ITC. No ITC when depreciation claim on tax component. मान लीजिए depreciation is claimed on tax component of plant and machinery. Income tax में आपने depreciation allow करवा लिया, claim कर लिया. Then इस केस में GST Act में आपको ITC अवेलेबल नहीं किया जाएगा. कारण ये है कि यू कैन नॉट एंजॉय डबल बेनिफिट. आपने इनकम टैक्स में भी बेनिफिट ले लिया और जीएसटी में भी बेनिफिट लिया. यू कैन क्लेम ओनली सिंगल बेनिफिट, आइदर इनकम टैक्स में ले लो या फिर जीएसटी में ले लो. अगर इनकम टैक्स में ले लिया है तो आप जीएसटी में ITC नहीं मिलेगा. मान लीजिए किसी मशीनरी का वैल्यू 10 लाख है, उस पर GST 18% की रेट से 1,80,000 हो गया. टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी इक्वल टू 11,80,000. हमने इस केस में मान लिया कि GST का रेट 18% है. इफ डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन 10 लाख, ITC अवेलेबल. इफ डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन 11,80,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कंपोनेंट, ITC नॉट अवेलेबल. अगर डिप्रिसिएशन केवल मशीनरी के कॉस्ट पे ही चार्ज करते हैं, देन ITC अवेलेबल हो जाएगा. अगर टैक्स के कंपोनेंट के साथ करते हैं तो ITC अवेलेबल नहीं हो पाएगा. यू कैन क्लेम ओनली वन बेनिफिट, आइदर यू क्लेम डिप्रिसिएशन और क्लेम ITC. टाइम पीरियड क्या होगा ITC क्लेम करने के लिए? ITC क्लेम करने के लिए टाइम पीरियड है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर सितंबर मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर. इन दोनों इवेंट में से जो भी अर्लियर है. सितंबर का रिटर्न कब जाएगा? अगले सितंबर का रिटर्न अगले महीने कि 20 तारीख को 20 अक्टूबर तक चला जाएगा. लास्ट डेट 20 अक्टूबर होगी इफ इट इज नॉट चेंज बाय GST काउंसिल. और रिटर्न एनुअल रिटर्न कब जाएगा? 31 दिसंबर तक जाएगी, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न. इन दोनों में से जो अर्लियर है, अर्लियर 20 अक्टूबर होगी तो 20 अक्टूबर तक अब ITC क्लेम कर सकते हैं. और 20 अक्टूबर तक आप सितंबर महीने तक का ही ITC क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर महीने की रिटर्न आपको अक्टूबर में जमा करनी है. इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. मान लीजिए किसी CA ने किसी कस्टमर को ओपिनियन प्रोवाइड किया 10 फरवरी 2018 को और इनवाइस 9 मार्च को रीज किया. रिटर्न फाइल इनके द्वारा कस्टमर के द्वारा जो की गया उसकी डेट होगी सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर को जाएगी. एनुअल रिटर्न दिसंबर तक जानी थी 31 दिसंबर, इन्होंने 21 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दी. इन दोनों में से जो अर्लियर है डेट इज 20 अक्टूबर तक ये कस्टमर ITC क्लेम कर सकता है जो इनपुट पे इसे पे किया हुआ CA को. इस केस में टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर कर्टेल फॉर लास्ट फ्यू मंथ. अगर मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च के केस में, जनवरी फरवरी मार्च का अगर आप ITC क्लेम करते हैं, देन यू हैव
less than 1 year, or for initial year April, May, June, July, August, in sab ke liye you have more than 1 year time. Apportionment of credit and block credit. क्रेडिट को कैसे अपोर्शन करेंगे, लेट अस डिस्कस. मान लीजिए आपने कोई गुड्स को बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज किया. कोई मान लीजिए कार है, इस कार को आपने बिजनेस के लिए भी यूज किया और पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया. जो आपको आईटीसी मिलेगा, जो आईटीसी वुड बी अवेलेबल ओनली to the extent of business use, not for other use. For other purpose, ITC would not be available. Input के केस में valuation rule 42 के हिसाब से किया जाएगा. Input and input services के लिए valuation rule 42 है. और for capital goods, अगर आपने कोई use किया, जैसे car है इस केस में, तो उसके लिए valuation का rule 43 है. मान लीजिए आप गुड्स को टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज करते हैं और एग्जम सप्लाई, ये तीन वैरायटी के सप्लाई के लिए यूज करते हैं. आईटीसी अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाई, नॉट फॉर एग्जम सप्लाई. इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट केवल टैक्सेबल सप्लाई के लिए मिलेगा और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए मिले. एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए भी अगर इनपुट को यूज करते हैं, देन यू कांट क्लेम आईटीसी ऑन दैट. जीरो रेटेड सप्लाई का क्या मतलब है? जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर आप किसी सर्विस या गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई. बिकॉज no GST charge, it is charged at the rate of zero. Zero is different from nil. It is not nil rated, it is zero rated. अगर आप SCZ unit या developer को supply करते हैं, then it is also called zero rated supply. Exempt supply की category में RCM के अंडर कोई पेमेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एग्जम्प्ट सप्लाई. इस केस में आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते. RCM पे रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है. सप्लायर को कोई जीएसटी देना नहीं पड़ता. सो यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सच सप्लाई. ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आईटीसी, उस पर जीएसटी देते हैं, देन यू कांट क्लेम. वैसे सिक्योरिटी पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता. इट हैज बीन एक्सप्रेसिवली एक्सक्लूडेड. यू कांट क्लेम आईटीसी ऑन सेल ऑफ लैंड. सिमिलरली यू कांट क्लेम आईटीसी ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 में सेल ऑफ बिल्डिंग बताया गया है. यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सेलवेट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स इन प्री जीएसटी रिजीम वर्सेस आईटीसी ऑन करंट रिजीम. अंडर सीसीआर रूल 2004, नो सेलवेट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स इज अलाउड व्हेन यूज एक्सक्लूसिवली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स या प्रोवाइडिंग एग्जेम्प्टेड सर्विसेज फॉर 2 years. अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे, तो प्री जीएसटी लॉज में 2 साल तक सेलवेट क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता था. बट नाउ अंडर जीएसटी लॉ इट इज फ्रीली अवेलेबल. आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई. जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, एग्जम्प्ट सप्लाई पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा. ये बातें कैपिटल गुड्स पे भी अप्लीकेबल है. कैपिटल गुड्स हो या इनपुट हो या इनपुट सर्विसेज हो, अगर ये तीनों चीज़ें एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए यूज हो, ये एग्जम्प्टेड
services provide karne ke liye use hui, then you cannot claim ITC to that extent. Proportionate reversal of common ITC in respect of capital goods is required बैंकिंग कंपनी या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में उनके पास ऑप्शन दिया गया है या तो वह नॉर्मल प्रोविजन में आईटीसी क्लेम कर ले या उनके पास ऑप्शन है कि 50% अवेल करें. उनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन वन है कैन अप्लाई नॉर्मल प्रोविजन, ऑप्शन टू उनके पास है 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज, इन तीनों का 50% क्लेम करें. या तो नॉर्मल प्रोविजन में क्लेम कर ले या उनके पास ऑप्शन इन तीनों का 50% का क्लेम कर ले. नॉर्मल प्रोविजन में केवल एग्जेम्प्टेड गुड्स का उन पर नहीं मिलेगा, बाकी सारे पे मिलेगा. इस केस में सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो उन्हें क्रेडिट का 50% पार्ट मिल जाएगा. मान लीजिए एग्जेम्प्टेड सर्विसेज देता है then he can also claim 50%. इस केस में अगर ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो उसे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर भी वैलिड होगा, उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते. रिस्ट्रिक्शन जो 50% का है वह सेम पैन पे अप्लाई नहीं होता. मान लीजिए अपने किसी ब्रांच से आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, कोई सर्विसेज ली, देन ये 50% का जो रिस्ट्रिक्शन है वो उस केस में अप्लाई नहीं होगा. रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% नॉट अप्लाई टू सेम पैन.